स्कूल है, उनकी फीसें देखिए, एडमिशन करने का उनका तरीका देखिए। आज सारे विधायक माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, किसी कॉन्वेंट स्कूल में फॉर्म करिए तो आपको दो टूक जवाब देगा और यह कहेगा कि नहीं एडमिशन नहीं होगा, या तो मोटी डोनेशन देनी पड़ेगी नर्सरी में दाखिले के लिए भी, या फिर कलेक्टर को फोन करेगा मंत्री, माननीय मंत्री कलेक्टर को फोन करेगा, विधायक कलेक्टर को फोन करेगा, तब एक एक दाखिले के लिए वो लोग परसा देते हैं। यह हालत आपकी सरकार के समय है, और यह हालत जाकर देखिए हाई स्कूलों में, देखिए इंटर कॉलेज में। मैं एक स्कूल में झंडा फहराने गया मानव, और झंडा फहराने जाता हूं देखता हूं 750 बच्चियां हैं, हमारी औलाद की बच्चियां, किसानों की बच्चियां, गरीबों की बच्चियां उस सरकारी संस्था में पढ़ने आती है जिनका इंटर कॉलेज लाहौर नाम है, और 750 बच्चियों पर टीचर कितने, मात्र 2। अरे शर्म नहीं आती, गुणगान करते हुए झूठ बोलते हुए भगवान राम के पीछे छुपने की बात करते हो। भगवान ने क्या कहा, छुपते हो पीछे, भगवान राम ने कहा पर हित सिर्फ धर्म नहीं भाई, इसका मतलब जानते हैं, भगवान कहते हैं कि किसी दूसरे का हित करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और पर पीड़ा सब नहीं है भाई, और अगर किसी किसी को पीड़ा देते हैं हम लोग, किसी को कष्ट देते हैं, किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ये सरकार इस समय अधर्म की बात कर रही है, भगवान राम की बात करते हैं। अरे भगवान राम का मतलब जानते हैं, भगवान राम का मतलब है तपस्या, भगवान राम का मतलब है सच्चाई, भगवान राम का मतलब है त्याग, भगवान राम का मतलब है करुणा, भगवान राम का मतलब है प्यार, भगवान राम का मतलब है संवेदना। और आपकी सरकार संवेदना वाली सरकार है, आपकी सरकार कानपुर में 26 बच्चे टोली में पहुंचकर मर जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी मर जाते हैं, 1 रुपए की ऐलान नहीं कर सकते। आप बात करते हैं पूरी की सरकार की, आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक साल में बजट उठाकर देख लेना 2016-17 का 450 करोड़ रुपए गरीब लोगों को बांटने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। मैं अपनी बात खत्म करूंगा और यही कहूंगा आपसे कि जितनी आपकी चीजें हैं ये झूठ का टोपला है, और ये ध्यान रखना ये जो आरक्षण आप खा रहे हैं गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का, इनकी हाय आपको लगेगी एक दिन। और ये ध्यान रखना जो आप बात बोलते हो हमेशा, ये इतना रोशन ना करो अपनी तमन्ना का किरार, हमने पूछते देखा है उनको जिनको भड़कते देखा है हमने, इसलिए आपसे कहूंगा कि शिक्षा स्वास्थ्य इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और जो बात आपकी चलिए बस आधा मिनट में खत्म करूंगा, जो बात चल रही है किसानों के बारे में, क्या आग गन्ना किसानों का चुप गए पीछे, भगवान राम की बात करने वाले हम किसान उस परिवार के हैं कि छप्पर उठाता है किसान तो ले राम का नाम, अगर नींव रखता है, अगर जमीन में नींव रखता है मकान की तो ले राम का नाम, अगर दल के ऊपर चलने के लिए कहता है तो कहता है ले राम।